वेलकम बैक ग्रेंडिया। तो जिन लोगों ने अभी तक ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और दोस्तों नीचे ही डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया, जल्दी से ग्रेंडिया चैनल को फॉलो भी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों जो अभी आपने एक छोटा सा वीडियो देखा वो बेसिकली टाइटल्स के ऊपर है। आप इस तरह के टाइटल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पूरा प्रोजेक्ट ग्रेंडिया की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप ये पूरे के पूरे फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ को एमबी के हैं ये, जैसे 10-15 MB के ये मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट फाइव है। आप इसे री एडिट ईजी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे इम्पोर्ट करने हैं, कैसे आप एक लिरिक्स वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी किसी भी पर्सनल वीडियो के अंदर इन फॉन्ट्स को, इन टाइटल्स को, इन मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करने हैं और लिरिक्स वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, तो दोस्तों आइए आज आपको बताते हैं कि प्रीमियर प्रो के अंदर इन टेम्पलेट्स को कैसे इम्पोर्ट करना है। दोस्तों चलिए, तो दोस्तों जैसे ही आप अपना प्रीमियर प्रो ओपन करेंगे आपको ऊपर की साइड यहां पे ग्राफिक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पे आप क्लिक करेंगे आपके राइट हैंड साइड पे एक एसेंशियल ग्राफिक का पैनल आ जाएगा। इसके बिल्कुल नीचे राइट हैंड साइड आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट मोशन ग्राफिक टेम्पलेट, यहां पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो ग्रेंडिया की वेबसाइट से प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया है तो आपके पास कुछ ऐसा फोल्डर आ जाएगा, LYT नाम का फोल्डर है जिसके अंदर 5 टाइटल प्लस वीडियोस भी हैं और लिरिक्स 1, लिरिक्स 2, टाइटल 03, टाइटल 04 एंड 5। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही क्लिक करता हूं मैं, यहां पे आता है कंफर्म ओवरराइड, क्योंकि पहले ही इंपोर्ट कर चुका हूं तो आपके ये ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। यहां पे आपने सर्च करना है जो भी आपने टाइटल इंपोर्ट किया, जैसे हमने टाइटल नंबर 04 इंपोर्ट किया, यहां पे क्लिक करूंगा ये आपको दिखाई देगा। सिर्फ इसे उठा के अपनी टाइमलाइन के ऊपर लेके आना दोस्तों, जैसे मैं साइड पे ले आता हूं यहां पे, ओके। जैसे आप रखेंगे दोस्तों इसके साथ विद म्यूजिक भी होगा, मैं इसे थोड़ा प्ले करके दिखाता हूं, तो देख सकते हैं जब आएगा और जब क्लोज होएगा तब दो आपको म्यूजिक भी मिलता है साथ में। यहाँ पे आप बहुत इजी री एडिट कर सकते हैं, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे ऊपर, देख सकते हैं एसेंशियल ग्राफिक के अंदर एडिट के अंदर, जहां से आप शेप, सर्कल कलर एंड एलिमेंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और लिक्विफाई जो ऑप्शन आ रहा है उसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों तो बैक चलते हैं, सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे। दोस्तों टेक्स्ट के ऊपर जैसे मैं लिख देता हूं ग्रेंडिया, ओके, तो यहां पे आपको दिखाई देगा ग्रेंडिया। उसके बाद टेक्स्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आपने जो भी फॉन्ट रखने हैं दोस्तों यहां से देख सकते हैं, फॉन्ट चेंज होते रहेंगे जो भी आप इंपोर्ट करेंगे, ओके। जैसे मैं यही रख लेता हूं। उसके बाद सर्कल जो स्टार्टिंग वाले पार्ट हैं, शेप होगी, इनके आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं देखिए रेड हो चुका है, आगे चलते हैं तो फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट कलर, यहाँ से जैसे मैंने टेक्स्ट कलर ले लिया दोस्तों यहाँ से पेन टूल, और जैसे मैं कुछ भी सिलेक्ट करूंगा देख सकते हैं आप कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास बार खुल जाएगा कलर्स का, तो इसमें कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब पीछे चलते हैं, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ इसको थोड़ा, तो देख सकते हैं दोस्तों, तो आप इसे पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से ऑप्शंस बहुत दिए गए हैं, अभी पोजीशन स्केल छोटा बड़ा आप इसे कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहां पे कलर टू लिक्विफाई ऑप्शंस आ रहा है। अब दोस्तों इसके बाद एक छोटा सा मैंने वीडियो भी दिए हुए हैं, यहां पे आपने डबल क्लिक करना है उस फोल्डर के अंदर, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साइड पे एसेंशियल ग्राफिक इंपोर्ट करने के लिए वो वीडियोस नहीं दिखाई देगा, जब आप प्रोजेक्ट के लिए इंपोर्ट करेंगे जैसे मैंने डेस्कटॉप के ऊपर लिखा है LYT, यहाँ पे आपको दो वीडियोस दिखाई देंगे, आप किसी भी वीडियो के ऊपर यूज कर सकते हैं। मैं दोनों के दोनों इंपोर्ट कर ले देता हूँ दोस्तों, ओपन, ओके। ये दोस्तों स्नो है,
ओके, स्नो को उठा के हम अपनी वीडियो के ऊपर रखेंगे। जरूरी नहीं है ये पर्टिकुलर इसी वीडियो के लिए, आप किसी भी वीडियो के ऊपर यूज कर सकते हैं। स्नो को सिलेक्ट करेंगे, आपने जाना है इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा ब्लाइंड मोड ऑपेसिटी के अंदर। यहाँ पे आपने जाना है स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ देख सकते हैं ऐसा व्यू दिखाई देगा दोस्तों। ओके, इसके बाद दोस्तों आता है, अभी हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, एक यहाँ पे आपको एक और वीडियो अगर आप इसे भी यूज करना चाहते देख सकते हैं, इन और आउट। मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी मैं यहाँ पे रखूंगा और सिलेक्ट करूंगा। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाऊंगा, ब्लाइंड मोड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे स्क्रीन पे सिलेक्ट कर दूंगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पे दोस्तों बताना भूल गया, ये फुल HD नहीं है, इसको आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्केल टू या सेट टू फ्रेम साइज करना है। ओके, सेट टू फ्रेम साइज, तो अब ओके, अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों ये प्रोजेक्ट है गाने का, इसके ऊपर बार बार टाइटल रिपीट किए गए हैं। मैं आपको बता दूं क्या किया हुआ है, यहाँ पे फ्रेम को होल्ड कर दिया गया। फ्रेम होल्ड का ट्यूटोरियल देख सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ, यहाँ पे फ्रेम को होल्ड कर दिया गया। स्नो इफेक्ट रख दिया गया है ऊपर, एक जो दूसरा वीडियो उसे रख दिया गया, और टाइटल को फॉन्ट वगैरह कलर जो भी चेंज कर सकते हैं आप। ये फॉन्ट लिरिक्स वीडियो के लिए किसी भी चीज के लिए ये टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा कि कैसे हम री एडिट कर सकते हैं इन टेम्पलेट्स को कितनी इजी वे से। पूरा डाटा डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कीजिए। ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब 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 कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।